हेलो फ्रेंड्स, आज का ये जो वीडियो है ये एक बहुत ही बढ़िया सा वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज हम एक्सपर्ट लोगों से एडेनियम की ग्राफ्टिंग सीखेंगे और साथ ही साथ बहुत ज़रूरी टिप्स भी हमें मिलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वेलकम टू माय चैनल माय ड्रीमी गार्डन। तो ये देखिए, ये मैं आप लोगों को इंट्रो देते देते अंदर एंटर कर चुका हूँ। तो आज का ये जो ट्रेनिंग वर्कशॉप हो रहा है, ये जो फूड डिपार्टमेंट का ऑफिस है एक वहीं पर हो रहा है, क्योंकि इसका एक मेंबर है ग्रुप का जो कि यहाँ पर जॉब करता है। और ये देखिए, जितने सारे आप ऑफिस के जो एरिया है इसके अंदर जितने सारे प्लान देख रहे हो, उस दादा ने ही इस सारे जो प्लांट है, सारे गार्डनिंग जो है, सब कुछ उन्होंने ही किया हुआ है। तो बहुत ही बढ़िया, उनका बहुत ज़्यादा मेहनत, लगन, जुनून हम कह सकते हैं। तो ऑफिस के अंदर, ऑफिस के एरिया के अंदर अपने काम को संभालने के बाद, उसके बाद इतना सारा सुंदर तरीके से ये गार्डनिंग कर चुका है। देखिए, वही दादा का ये एडेनियम प्लांट है। ये देखिए, ये जो कुर्ते में है, लाल कुर्ते में, यही है। तो चलिए और ज्यादा ना बातचीत करते हुए ग्राफ्टिंग को बढ़ते हैं। तो ये जो कह रहे हैं पूरा बंगाली में कह रहे हैं, तो इसके लिए मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके आप लोगों को बता रहा हूँ। ये सनातन कुमार पाल जी है, ये डालिया एक्सपर्ट है एडेनियम के, साथ ही साथ बहुत बड़ा एक जाना माना ये इंसान है, डालिया एक्सपर्ट के तौर पर जाने जाते हैं। तो ये वही कह रहे हैं कि ऊपर की ओर से हम कर सकते हैं हमारे फायदे मुताबिक जो ग्राफ्टिंग, लेकिन नीचे से क्या होता है कि बहुत और सारे ब्रांचेस निकलते हैं और देखने में भी बहुत बढ़िया लगता है। तो ये देखिए, ऐसे के नया ब्लेड या फिर सैनिटाइज हुआ चाकू से उसका जिसमें ग्राफ्टिंग होगा उसका इतना हिस्सा छोड़कर पूरा निकाल देंगे। उसके बाद टिश्यू से उसका जो चिपचिपा है जैसे निकलता है उसको निकाल देंगे। और ये देखिए, दूसरे एडेनियम प्लांट का देखिए छोटा सा हिस्सा, ये एकदम ऐसा नहीं है कि ऊपर का जितना सरफेस है जिस पर ग्राफ्टिंग हो रहा है वो पूरा होना चाहिए, वो छोटा होगा तो भी चलेगा। तो टैबलेट के आकार में होता है, तो इसीलिए इसको टैबलेट ग्राफ्टिंग कहते हैं। तो इसके बाद ये देखिए, ग्राफ्टिंग टेप जो है, ग्राफ्टिंग टेप से इसको ऐसे हम पूरा एयर टाइट करके बांध देंगे। और आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें जब जो ब्रांचेस निकलेगा तो वो कैसे बाहर आएगा, तो ऑटोमेटिक ये जब निकल आएगा तो ये जो टेप है इसको फाड़ कर वो बाहर आ चुकेगा। तो इससे आप लोगों को डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो ये देखिए, बहुत ही बढ़िया तरीके से और बहुत ही आसानी से इन्होंने, यानी कि गौर सी एडेनियम एक्सपर्ट है, उन्होंने ये पहला वाला टैबलेट ग्राफ्टिंग कंप्लीट कर चुका है। ये देखिए, अब बारी है वी ग्राफ्टिंग की। हम इस ग्रुप के सभी मेंबर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं इन एक्सपर्ट्स को हमारे बीच में पाकर, तो इनसे लगभग सारे ग्राफ्टिंग सीख लेंगे। ये देखिए, ये जो ऐसे वी शेप का, जैसे कि आप लोग ज़्यादातर लोग जानते ही हैं, तो ऐसे हम कट कर लेंगे। अब हम जिस टीम में ग्राफ्टिंग कर रहे हैं उसके बीचों बीच नहीं, साइड में वी शेप का ही एक कट कर लेंगे साइड में, क्योंकि ये थोड़ा सॉफ्ट होता है इसी के लिए बीच में थोड़ा मोटा होगा। और ये देखिए, ऐसे इसको पुश करके अंदर डाल देंगे। और ये देखिए, एक हिस्से में ये लगा हुआ है एकदम उसके स्किन बराबर, लेकिन क्या है कि साइड में, दूसरे साइड में देखिए थोड़ा गैप है। ये आप लोग, आपके मन में क्वेश्चन आ सकते हैं कि क्यों है या फिर क्यों रखा गया है। तो ये है कि क्योंकि ऊपर का जो दूसरे एडेनियम प्लांट का जो ये देखिए जो स्टीम है वो छोटा है और ये मोटा है, तो इसमें ऐसे ही एक साइड से इसको परफेक्ट रखा गया है। और इससे दिक्कत की कोई भी बात नहीं है, यही गौर सी एक्सपर्ट जी कह रहे हैं कि 100% होगा, ऐसे ही करना आप लोग। और ये देखिए, जैसे कि ए एडेनियम प्लान में दो स्टीम था, तो इसके लिए दूसरे में भी ग्राफ्टिंग होगा। तो ये देखिए, सेम प्रोसेस में ऐसे ही भी सेम में उसको कट करना है। उसके बाद ये देखिए, जो गम जैसे निकलता है उसको टिश्यू से मोचने के बाद, पोंछ देने के बाद, ये देखिए जो नया ब्लेड है
या फिर आप लोग यूज़ कर सकते हो सैनिटाइज किया हुआ चाकू। तो उसको कट करने के बाद ये देखिए सेम प्रोसेस में, एकदम सेम प्रोसेस में एक साइड से हम उसको बराबर रखेंगे और एक में थोड़ा गैप है वो चलेगा, वो दिक्कत की कोई भी बात नहीं है। ग्राफ्टिंग आप लोग करके देखना, ये हो जाएगा, क्योंकि मैं इतना ज़ोर से कह रहा हूँ क्योंकि ये एक्सपर्ट है जिनके पास जाकर हम लोग सीख चुके हैं और आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये एक्सपर्ट है। तो इसी के लिए उन्होंने कहा है कि 100% ये ग्राफ्टिंग होगा ही, तो इसके लिए ही मैं ज़ोर से कह रहा हूँ कि ऐसे करके देखना, ये होगा, दिक्कत की कोई भी बात नहीं है। बहुत ही इन लोगों के पास ये सीखकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, और ये बहुत ही डाउन टू अर्थ पर्सन है और बिल्कुल भी नाराज़ ना होते हुए हमारे जितने भी क्वेश्चन थे सबका आंसर दिया, बहुत सारे टिप्स दिए हैं। इसके अलावा क्या है कि सिर्फ सिखाना ही नहीं, हम सभी लोगों के पास जितने भी एडनियम के पौधे थे सबको ग्राफ्टिंग कर दिए उन्होंने। और उसके बाद ये देखिए जो बता रहे हैं कि ग्राफ्टिंग के बाद 4-5 दिनों तक सेमी सेड वाले जगह पर रखना, बारिश के पानी में मत भिगोना, और ए वी ग्राफ्टिंग के कवर 20 दिनों के बाद और टैबलेट ग्राफ्टिंग के कवर 1 महीने के बाद निकालना। वही आयरिन दीदी कह रही है कि बहुत ही अच्छी तरीके से पूरा प्रोग्राम हो चुका है, तो सभी को बहुत बहुत शुक्रिया और सभी के लिए आज का ये दिन बहुत ज़्यादा मेमोरेबल रहेगा। तो चलिए आप लोगों के साथ थोड़ा बहुत मेमोरी शेयर कर लेता हूँ। देखिए एकदम राइट कॉर्नर में मैं हूँ। तो चलिए दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और प्लांट्स लगाते रहिए।